सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी भाई, काम देसी और अपनी बोली देसी। इस टाइम अब बड़ौदा ओट सीट हो रही है भाई इस टाइम, और इस ओट सीट पर एक ओट नेता भी आ रहा है। उसने भाई कुछ टाइम पहले, मतलब साले को होया होगा सरकार बने ने, उस टाइम पर ईसा नेता हराया था जो उसका कुर्ते काटा किसाना के नाम पर, गरीब किसाना के नाम पर आराम तो बैठ गया है। ओम प्रकाश धनखड़ा रखा भाई जमा सही एनडी नेता ही कड़ लाई थी, और उस टाइम 8 मंत्री आ रहे थे भाई, और इस टाइम आप कुलदीप वत्स के साथ खड़े हैं और उनसे बात कराई कुकर के यार आना हो रहा है। इसी के बात हो रही है यार बड़ौदा में, सारे नेता मंत्री संतरी सारे आने लग रहे हैं, तो आज भाई बात कराई। सर नमस्कार। राम राम भाई, क्या हाल है तेरे? ठीक है जी, ठीक है। सर एक बात हो, आप यहाँ पे आए? जी जी जी। क्यों आना पड़ गया आपको? देखिए भाई, आना तो यूँ पड़ गया, भगवान ने आना करा दिया। हमारे जो दिग्गज नेता थे, अच्छा जी, आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उनकी वजह से भगवान ने के वो प्यारे हुए, तो आज ये दिन देखना पड़ा, दोबारा यहाँ इलेक्शन में आना पड़ा। अच्छा। और यहाँ जो इलेक्शन है, झूठ और सत्ता का इलेक्शन है। बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस को प्यार किया है, लगातार 3 बार आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी को जिताया, और ये सीट बड़ौदा के जो जनता है, ये दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी से बहुत प्यार करते हैं, और उनके प्यार में आज बड़ौदा की जनता झूम रही है। और एक तरफा इलेक्शन भाई हमारे जो इंदिराज नरवाल भल्लू हैं वो जीतने जा रहे हैं, और आज मैं बड़ौदा की जनता के बीच में, जो ये बीजेपी की नीतियाँ थी जिसका आपने अब नाम ले रहे थे, जो कुर्ते काट के घूमता था, जो किसान तेसी होने की बात करता था ओम प्रकाश जी, आज वही ओम प्रकाश जो इनके अध्यक्ष हैं, पहले मंत्री थे, आज किसान पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, किसान को मारा जा रहा है, और वो आज छाती पीटता है कि हमने भाई किसान का बहुत ज़्यादा भला किया, तो उनकी नीतियों को बताने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। सर अभी आपने ओम प्रकाश का नाम लिया, तो धनखड़ साहब का एक बयान आया और वो प्रिंट भी हुआ मीडिया में, तो उन्होंने बोला है MSP ये कहीं भी हम लागू नहीं करेंगे, मतलब MSP पूरे, मतलब जब तक हमारी सरकार है आगे तक भी हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि MSP देने में हमें नुकसान है, और किसान को मतलब ये बोल रहे थे हम किसान की आय दुगनी करेंगे, और इन्होंने किसान का कर्जा दुगना कर दिया है जी, इसके बारे में। देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक इनकी ना तो नीति साफ है ना इनकी नीयत साफ है, और हम क्या कह रहे हैं लोगों को, इन्होंने पहले रेल बेची, एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, और कई चीज़ें बेच दी, एजुकेशन को भी बेचने के चंग उसमें चल रहे हैं, बिजली बोर्ड को, बसों को और रोडवेज को। अब ये एक किसान ऐसी शक्ति थी, एक ताकत थी, जो कोरोना काल में भी आपने देखा, सब कुछ बिजनेसमैन क्या सब कुछ अपने अंदर घरों में घुस गए, और किसान एक ऐसी ताकत थी पूरे देश की, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी एक गरीब का, मजदूर का, प्रवासी का, सबका पेट भरा, और डट के इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े रहे। आज ये किसान को भी बेचना चाहते हैं, तो मैं ओम प्रकाश जो BJP के अध्यक्ष हैं, इनको मैं इनकी बात को, ये बड़ी झूठे वादे करते हैं, बड़ी झूठ बोलने में, ये शोएब अख्तर की से भी तेज़, जब शोएब अख्तर 170 की स्पीड से बॉलिंग करता था, तो ये उससे भी तेज स्पीड से झूठ बोलने में माहिर है। मतलब मोदी तब तेज हो गया, ये मोदी से भी तेज हो गया, नो डाउट। क्योंकि आप देखिए, एक मंत्री आज आप ये देखिए हरियाणा के अंदर, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही ये कितने मुल्कों की गवर्नमेंट चल रही है। एक कहता है किसानों पर लाठी चार्ज हुई है नहीं, हाँ जी, एक कहता है जो DPCM और उसका भाई वो कहता है ये भाई गलत हुआ, एक इनका जो अध्यक्ष है ये कहता भाई ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु भी, एक आदमी ये कहता भाई नहीं हमने इंक्वायरी कर ली यहाँ कुछ हुआ है नहीं, तो इनको इनकी ये समझ में नहीं आती कि इनकी क्या है नीति। उसके बाद में एक भाई हमारे JJP के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, आज वो मेरे हिसाब से स्वस्थ होकर अब आगे हैं, उनको कोरोना हो गया था, हम भगवान से प्रार्थना करते हो ठीक हो और अच्छे हैं,
पर मैंने जब किसान को पीटा जा रहा था तो ये कहाँ थे? किसान की वोट लेने के नाम पे बड़े बड़े वादे कर रहे थे। उसके बाद आज एक ये पहला ऐसा राज्य बना दिया, कर्मचारी रोडों पे, किसान रोडों पे, युवा रोडों पे, जितने भी अपने रोड सारा सौदा रोडों पे रोड पाट दिए। और भाई हरियाणा की जनता का कति भट्टा बैठा दिया। अच्छा जी, इव जुकर आप विरोध मारे हो लोगों में के आस्था देखो हो, मतलब लोग मैं दफ्तर में गया और इतनी भीड़ हो रही थी, लोगों में इसी के आस्था होगी इनका कांग्रेस जतानी है? उचाण वाले भी उठ कर आने लग रहे हैं, नुका भाई इसने तो करो एक नहीं भाई मारे पर गलती हो रही है, थर पर नहीं होनी चाहिए। देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी एक नीति है और हम सब एक कांग्रेस हो के जो हरियाणा में जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे मिडिलमैन है, उन्होंने ये देख लिया कि भाई ये झूठों की पार्टी है, इन्होंने इस प्रदेश का भला नहीं करना, इन्होंने किसान मजदूर आम आदमी सबको मारने का ये काम कर रहे हैं। देखिए देश चलता है नीति से, देश चलता है आपसी भाईचारे से, देश चलता है विकास से, देश चलता है एजुकेशन से, देश चलता है सभी इकट्ठे होकर जिसके संघर्ष करने से। आज आप देख रहे हो कहीं हिंदू मुसलमान है, कहीं जातिवाद है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, मतलब देखिए इतना मैं कहता हूँ इंसानियत में, कोई मेरे से पूछता है कि आपकी क्या बिरादरी, मैं एक चीज़ कहता हूँ ठीक है मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, पर सबसे बड़ी अगर कोई इंसानी कोई जात है वो इंसानियत की, जब आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर कोई जात ना कोई बिरादरी कुछ नहीं है। मैं हर उस प्रत्येक व्यक्ति से, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई जो इस बीजेपी ने जो एक जहर घोलने का काम कर रखा है, वोट कोई किसी की भी देता है वो अपने मन की होती है, पर मैंने पहली बार ऐसा माहौल मेरे चाचा ताऊ मेरे दादा परदादे तक भी, और आज वो माहौल भी था और आज का जो माहौल है, हर आदमी पूछता भाई तेरी बिरादरी क्या है, तेरी जात क्या है, क्या अब ये इससे विकास होता है? विकास होगा सारे भाई संगठित होंगे, मतलब एक होके। इन्ह तो हिंदू मुस्लिम का ऐसा कार्ड फेंक रखा है, को है मैं हिंदू हूँ, को मुस्लिम है, को जात में लड़ा दे है, कुटबे कैब लड़ा दे जी है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, और आप भी पढ़े लिखे और आप मीडिया में बातों में टीवी पे बैठ के हिंदू मुसलमान इनसे ये पूछिए कि जो मुस्लिम थे आपकी नज़रों में वो गुनाहगार थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, किसको आपने फांसी तोड़ी, किसको आपने उनका इलाज किया, किसने ये कहते थे हम किसी हर आदमी को तो पाकिस्तान भेज देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ इन हिंदुस्तान के कितने लोगों का आपने भारत छुटवाया, कितने लोगों का? आप गौ माता की जय बोलते हो, आज जितनी दुर्गति गऊ और साधु की है, और यूपी में आप ब्राह्मणों की हालत देख लो भाई, एक कहते गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, बोले बिलन की दुख ने दो जाएगी। आज इस बीजेपी के राज में गौ को भी मारा जा रहा है, ब्राह्मण को भी मारा जा रहा है, और भाई साधु को भी मारा जा रहा है। ये ऐसा इन्होंने एक इस समाज में इतना गंद मचा दिया, और इन्होंने खून खराबा और भाई से भाई के लड़वाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं है। मैं एक चीज देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, वो कोई भी एक काम देश में ऐसा गण बताए कि जिससे देश के युवाओं को रोज़गार मिला हो, जो देश आगे बढ़ा हो। एक इस मुख्यमंत्री जो हमारे इस प्रदेश के हैं, इस देश के इस प्रदेश के जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं जो आज इनके अध्यक्ष हैं, वो ये बता दे भाई 5 साल में तने बादली में कौन सा बड़ा काम किया, एक ईंट लगाई हो तो, या हरियाणा में कोई एक आपने कोई बिजली का कारखाना लगा दिया हो, कोई एजुकेशन का लगा, कोई हब बना दिया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, क्या बनाया है? एक चीज़ तो बता दे और बात विकास की करते हैं। तो इस टाइम जी बड़ौदा में इलेक्शन, एक का नहीं आपका बालू, एक का नहीं पहलवान, एक का नहीं है
दंगल, दंगल का विजेता, और एक का नहीं है दूसरा दंगल राजनीति का विजेता। तो इसमें कोसा बाजी मारेगा के वा का तो नहीं साची हो जाए, बालू आ गया है, गांव खाली हो गया है, के कार्यकर्ता बाज तो जावे इस तरह। और दूसरी बात एक और है जी, जुकर नुको है वो हिंद केसरी रेल या जो भी रहा है, और उसने इसी सी बात का इसने जो बयान दिया है 10 करोड़ वाला राजकुमार सैनी भाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राजनीति में इसे बयान होने चाहिए कि नहीं? किसने क्या दिया 10 करोड़ का बयान? सर उन्होंने बोला है ये कांग्रेस ने इसको 10 करोड़ में खरीदा हुआ है और इनको उठाया हुआ है टिकट पे, मतलब जो वोट कटेगी वो बीजेपी की कटेगी। देखिए आज एक सभ्य पद पे है वो है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको जब मुख्यमंत्री थे DSP भी लगाया और एक अच्छा पहलवान रहा, देश के लिए नाम रोशन किया, और अजीज है, छोटा भाई है। पर अगर बात करें इस प्रकार के बयानबाजी की, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, बीजेपी का एजेंट राजकुमार सैनी आज नहीं है, कांग्रेस का एजेंट नहीं है राजकुमार सैनी, आज आपको बता देता हूँ, ये बीजेपी का एजेंट रहा, बीजेपी के लिए काम करता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जहर घोला था इस प्रदेश को बिगाड़ने में, वो बीजेपी के नेताओं ने घोरा और बीजेपी का ही राजकुमार सैनी सांसद था। इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? उस टाइम तो पार्टी था भी गुनकाड़ा जी, इसने जो इतनी क्या कार्रवाई की, आज तक पार्टी से निकाला ना जी, तो बात क्या बात करता है राजकुमार सैनी, तो नुए कब है, इनमें दमे नहीं है, मैंने पार्टी तक कट नहीं है, ये बात बिल्कुल, मैंने तो पार्टी छोड़ दी है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे राजकुमार सैनी, इन तो पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी वाला पता दमे को नहीं है, जो मैंने पार्टी तक कट नहीं है, मैंने छोड़ दी है। भैया दम तो जब होता ना, ये तो उनके फायदा कर रहा था, अच्छा जी, ये तो इनकी एक मैच फिक्सिंग है, ये अमित शाह जी का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्री प्लान के तहत यहाँ इस हरियाणा में छोड़ा गया है कि इस हरियाणा को गुजरात की तरिया आप लाल कर दो खून से, ये इसलिए दंगे करा दो, इसका सिर्फ और सिर्फ ये है। और राजकुमार सैनी देखिए एक बड़े पद पर रह लिया, सांसद रह लिया, पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करता है वो समाज में अच्छी भाषाएँ नहीं होती हैं, क्योंकि उसने जैसे किसी को कुछ बोलना किसी को, ये गलत है। और इस हरियाणा को तोड़ने में और इस भाईचारे को ख़राब करने में सबसे बड़ा योगदान राजकुमार सैनी करा है, और ऐसे आदमियों को कभी जनता माफ़ नहीं करेगी। आज राजकुमार सैनी की हालत क्या है, हालात क्या है? राजकुमार सैनी तो भी सारे हमारे खिलाफ़ भी खड़ा था, हमारे खिलाफ़ भी खड़ा था, इंगवाना से हमारे खिलाफ़ खड़ा था, हर जगह खड़ा था, हमारा कोई मतलब नहीं किसी से। तो एक और बात है जी, आपने जमा बड़ी वाला नेता धोया मारी और तो धोया है, जो उन्होंने कहा करता छाती पीटे करता, मन को रहनी है नहीं, कुर्ते काट के बगाया करता, रोहतक मरेली गया करता आपकी सरकार के खिलाफ, भाई इन्हें तो किसाना की बिरयान माटी कर दी है, इवन ना तो कुर्ते कटदा ना किसाना की सोचता, और उसके बारे में क्या कहना है जी आपका? देखिए मेरी कोई औकात नहीं, ना मेरी कोई हिम्मत थी, मेरी बादली की जनता ने, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों ने, उन्होंने उनका अहंकार को तोड़ा है, और उनके अहंकार को तोड़ के उनकी जो इन कहते थे ना सिरिया निकाल रहा था कई मंत्रियों का, बादली की जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहा, उनने इसका सिरिया निकाला। जहाँ तक मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे ओम प्रकाश जी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उसकी कथनी और करनी अलग है, और स्वयं घमंड अहंकार और छोटी सोच और झूठ के रफ्तार शोभ अख्तर से भी ज़्यादा रखता है, और एक थके हुए प्लेयर को बीजेपी ने इस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और आने वाला अगला जब चुनाव होगा, जिस प्रकार सुभाष बराला जी थे, उनकी हालत जनता ने क्या किया, आज मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी भूल को सुधारना चाहते हो, इस प्रदेश के आप मुखिया हो आज के दिन, बीजेपी पार्टी के मुखिया हो आज, मनोहर लाल खट्टर जी भी आपके वर्कर हैं, अब भी अपनी गलती को सुधारना चाहते हो तो आपके पास समय है, पर समय का पता नहीं ये कब इनकी गवर्नमेंट गिर जाए ये तो भगवान जानता है, क्योंकि सारे पहले ऐसे इनके बीजेपी के JJP के सारे विधायक खुद ही नाराज हैं, पर ये अपनी गलती को सुधार सके तो भाई कुछ हरियाणा के हित में अच्छे फैसले ले लो, जनता की सोच लो, जिन्हें तुम बढ़ाए थे भगवान तुमने माफ़ कर देगा। आखिरी सवाल जी, जिस मंत्र था आप जीते
ਉਹ ਜੀਤ ਮੰਤਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਣ ਨੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਹੋ ਕਿ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਵੋਟ ਲੇਵੇ ਕੇ ਕਰੇ ਇਨਕੇ ਗਿਲੇ। ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਬੜੌਦਾ ਕੀ ਜਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਦਲੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਥੀ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸਵਿਮਾਨ ਕਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਤੇ। ਮੈਂ ਆਜ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਬਾਦਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਦਾਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦਲੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਇਸਕੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਈ। ਔਰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਬੜੌਦਾ ਕੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ, 100% ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਭਾਈ ਹੈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਰਵਾਲ, ਉਹ 100% ਜਿੱਤੇਗੇ। ਔਰ ਇਨਕਾ ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਘਮੰਡ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਅਭੀ ਗਾਓ ਮੇਂ ਥਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਪੈਸਾ ਦਾਰੂ ਬਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਕਿ ਇਸਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਬਚਾ ਦੇ, ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬੜੌਦਾ ਕੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਬੜੌਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਅਬ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਬਾਈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਕੇ, ਸਾਫ ਦਿਲ ਕਤੀ 100% ਸਾਫ ਦਿਲ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਾਫ ਦਿਲ ਕਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਭੀ ਵੀ ਨਾ ਬਿਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਥਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੌਦਾ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਬਿਕੇ ਇਨਸੇ, ਨਾ ਇਨਕੇ ਆਗੇ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਇਨਕੇ ਆਗੇ ਥਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਾਓ ਆਪਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜੇ ਕਾ ਲਾਇਆ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਕੜ ਲਾਈ ਥੀ, ਉਹ ਦਾਓ ਉਸਨੇ ਬਾਲੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਕਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਬਾਲੂ ਕੋ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੀ ਦਿਨ ਸੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਯਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਲੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਓ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜਿੱਤੇਗਾ, 100% ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਲੂ ਤੋ ਉਲਟਾ ਵੀ ਚੜ ਜਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਛੋਡੇਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੜਾਓਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋਥੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋਥੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋੜਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਓਗਾ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ? ਦੇਖੀਏ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾ ਭਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਕੇ ਜੋ ਇਨਕੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਭਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਲੂ ਕਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਤੇ ਆਪ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਭਾਲੂ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਲੂ ਭੋਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਭਾਲੂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਤੀ ਭੋਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਭਾਲੂ। ਪਰ ਭਾਲੂ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਅਭੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਲੀ ਭਰੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਮਾਰੇਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਈ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਾਈ ਬਾਲੂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਖਿਚੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਆਟੇ ਨੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕਾ ਖੇਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਐਸੀ ਸੂਤ ਤਾਂ ਸਭ ਗਾਵ ਹੈ, ਬਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸੂਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਰਨਾ ਭਾਈ ਮਾਰਤੇ ਪੂਛ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਬਾਲੂ ਕਾ ਸਹੀ ਸੂਤ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਔਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਔਰ ਸਵੈਮ ਯਹਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਉਨਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੌਦਾ ਹਮ ਜਿੱਤੇਂਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਲੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਭੇਜੇਂਗੇ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਲੂ ਨੇ ਐਸਾ ਚਿਪਟਾਉਂਗੇ ਇਨਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੇਂਗਤੇ ਫਿਰੇਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਲੂ ਤਾਂ ਵੱਸਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਲੂ ਠੀਕ ਬਾਈ, ਬਾਲੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਆਪਣਾ, ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ, ਬਾਈ ਬਾਲੂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਰਨੂੰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਖੱਟਰ ਪੜੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੈਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਸ ਭਾਈ, ਇਨਕੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਭਾਈ ਚੋਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੂੰ ਅੱਜ ਆਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਲੂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਬੜੌਦਾ ਕੀ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਲੂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਬੜੌਦਾ ਕੀ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੌਦਾ ਕਾ ਸਭੀ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 10 ਤਾਰੀਖ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਜਬ ਇਨਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆਪ ਤਿਲ ਦੇਖਿਓ, ਤਿਲ ਕੀ ਧਾਰ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਵਾਗਾ ਮਤ ਬਣਾਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਥੇ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਸ ਬਾਦਲੀ ਸੇ ਵਿਦਾਇਕ, ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਭਾਈ।